इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम जो बात करेंगे स्पेशली खासकर होली के लिए, उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग देखेंगे और जो आप इसको यूज करोगे तो अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले पे। खासकर आजकल व्हाट्सएप पे जमाना है तो जब व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करोगे, इवन फेसबुक पे सेंड करोगे, चाहे इंस्टाग्राम पे, किसी कहीं भी सेंड करोगे, ये सब वर्ड लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सामने वाले को और उसको लगेगा कि हाँ भाई पढ़ रहा है लड़का, ये लड़की जो भी पढ़ रहा हो। चलिए देखते हैं मीनिंग। देखिए ये सब वर्ड का आप यूज नॉर्मल इंग्लिश के साथ कर सकते हो, आपको जो नॉर्मल इंग्लिश आती है वही आप यूज करिए। बस यहाँ आप ये सब लिखोगे उसकी जगह आप ये लिख दोगे तो आपको फायदा होगा। मैं मीनिंग के साथ हिंदी बता दे रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए इसको पढ़ते हैं, प्रोनाउंस क्या कहते हैं इसको, गाइटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गाइटी। क्या पढ़ते हैं इसको? गाइटी। इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। क्या होता है इसका मतलब? अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं, इसका मतलब क्या होता है? खुशी। क्या होता है? खुशी। ठीक है, अब खुशी बहुत सिंपल बोलते हैं ना कि भगवान करे आपको इस होली पे ढेर सारी खुशियां मिले, तो आप गाइटीज भी कर सकते हो। GAIT गाइटीज। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशियां, गाइटीज मतलब और सारी खुशियां। प्लूरलाइज हो गया, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। नॉर्मली गाइटीज जो वर्ड है ये नॉर्मली यूज होता नहीं है, आप यही गाइटी यूज करो ज्यादा इजी होगा। कैसे बोल सकते हो? सिंपल कि इन दिस दिवाली योर फैमिली एंड यू विल हैव अ गाइटी इन योर हाउस। बहुत सिंपल है, आप ऐसे बोल सकते हो, या इन योर फैमिली। इस तरीके से आप बोलोगे तो इंप्रेशन अलग पड़ता है। दूसरा स्प्लैश ऑफ कलर, ये बहुत अच्छा है, ये उन लोगों के लिए यूज है जो होली खेलते हैं। देखो ये आप नॉर्मली नॉर्मल किसी को बोल सकते हो, मम्मी पापा चाचा चाची जिसको भी बोल सकते हो, ये जो है वो उन लोगों को नॉर्मली बोला जाता है जो होली खेलते हैं, है ना, जो पिचकारियों खेलते हैं, अबीर से खेलते हैं, उनको उनके लिए खासकर ये वर्ड नॉर्मली ये यूज है, फ्रेज है। स्प्लैश ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं? स्प्लैश। क्या पढ़ते हैं? स्प्लैश। स्प्लैश, स्प्लैश ऑफ कलर। प्लस ऑफ कलर मतलब था स्पार्कल ऑफ कलर। स्पार्कल मतलब क्या होता है? स्पार्कल मतलब क्या होता है? स्पार्कल मतलब होता है फुहारा। ठीक है, तो फुहारा, कलर का फुहारा या पानी का फुहारा। तो इस तरीके से आप वर्ड का यूज कर सकते हो, जैसे दिस होली विल ब्रिंग यू अ गाइटी ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विद स्प्लैश ऑफ कलर। ठीक है, अ गाइटी विद अ स्प्लैश ऑफ कलर। एंड इस तरीके से बोलोगे सामने वो लगेगा कुछ अलग बोल रहा है, क्योंकि देखो हजारों मैसेज आते हैं, मतलब जितने आपके रिलेटिव सब आपको मैसेज करते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थोड़ा सा अलग, सब एक और लगता है। रिप्लाई करने में बड़ा अजीब लगता है कि यार सब एक ही कर रहा है, सबको रिप्लाई कैसे करें, पर थोड़ा जब अलग लिखोगे ना सामने वाले को इंप्रेशन पड़ता है, वाह कुछ अलग लिखा है इसने। ठीक है, लेकिन उनको लिखिए जिनको थोड़ी मोटी इंग्लिश आती है, सबको नहीं लिख दीजिएगा, अगर सबको लिखेंगे तो फंस जाएगा मामला, है ना। उनको लिखिए जिनको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है, या अपने दोस्तों को लिखिए, खासकर उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्लस ऑफ कलर, ठीक है, दिस इन दिस होली आई होप यू विल हैव अ स्प्लैश ऑफ कलर, मतलब कि तुम्हारा एक 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 कलर की स्पार्कल खेलोगे तुम। ठीक है, यू विल सेलिब्रेट विद स्प्लैश ऑफ कलर, इस तरीके से बोल सकते हो। इसका मतलब होता है फवारा। किसका फवारा? मैं इसको बढ़िया लिख दे रहा हूं, फवारा। किसका फवारा? किसका? कलर का फवारा। ठीक है, फवारा कैसा फवारा? कलर का, जो पानी भी हो सकता है, नॉर्मली पानी का ही आप स्पार्कल करते हो और पानी के साथ साथ आप कलर मिलाते ही हो, तो वो ऐसे बोल सकते हो आप, बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। तीसरा वर्ड है फ्रॉलिक। फ्रॉलिक मतलब होता है हैव फन और बीइंग मैड। मैड मतलब क्या होता है? पागल हो जाना। तो ये वर्ड तब यूज करते हैं जब आप बोलते हो कि दिस दिवाली हियर इज द होली एंड इन दिस होली आई होप यू हैव अ फ्रॉलिक होली। फ्रॉलिक होली मीन्स पागल करने वाली होती है, इसमें आप खूब मस्तियाँ करते हो, है ना। ऐसे कई
जगह है जहाँ आप खुद मस्ती करते हो, आप दो दो घंटे चार चार घंटे होली खेलते हो, तो जो एकदम पागल की तरह खेलते हैं, है ना, अभी डालते हैं, रंग डालते हैं और क्या करते हैं, तब उस जो एक्सप्रेशन आता है, जो फीलिंग आती है, उसको फ्रॉलिक कहते हैं। और ये नॉर्मली पॉजिटिव वे में यूज होता है। मैड तो आप बोल सकते हो, मैड तो पागल बोल रहा हूँ मुझे, लेकिन जब आप फ्रॉलिक बोलोगे, बोलोगे भगवान करे आप होली के दिन पागल हो जाओ, तो गुस्सा आ जाएगा, अरे देखो पागल कह रहे हैं हमें, हम पागल हो जाएंगे। लेकिन जब फ्रॉलिक बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा, है ना। शब्दों का सही चुनाव करेंगे तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। फ्रॉलिक मतलब होता है कि हैव फन और बींग मेड मैड, पागल हो जाना, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस यूज कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, इसको बोल सकते हो बहुत मस्ती बहुत मस्ती, या पागल हो जाना, ठीक है। तो फ्रॉलिक नॉर्मली आप ये एडजेक्टिव तरह यूज होता है, तो हैव अ फ्रॉलिक होली। फ्रॉलिक होली मतलब कि ऐसा होली जिसमें आप पागल हो जाओ, मतलब इतना ज्यादा खुशी से आप नाचो गाओ कि वो एक होली आपका एक उत्साह बन जाए, है ना। तो फ्रॉलिक आप वर्ड यूज कर सकते हो। ये खासकर ऐसे सेलिब्रेशन के लिए ही ये वर्ड आया है जिसमें हम बहुत खुश होते हैं, शादियां हो गई या किसी का बर्थडे हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया, ऐसा फेस्टिवल जिसमें आप नाचते गाते हो, तो आप फ्रॉलिक वर्ड का यूज कर सकते हो। एंथुसियाज्म, इसको क्या पढ़ते हैं, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म क्या पढ़ते हैं, एंथुसियाज्म या जम बोलते हैं, जम उर्दू वाला ज, तो एंथुसियाज्म मतलब एक्साइटमेंट। ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, तो ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा नॉर्मली आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो। इसको ऐसे बोल सकते हो कि आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, एंड दिस होली विल ब्रिंग यू एंड योर फैमिली एन एक्साइटमेंट और एन एंथुसियाज्म इन योर लाइफ। मतलब आपके लाइफ में एंथुसियाज्म आ जाए, आप उत्साह से भर जाओ, ये दिवाली आपकी ऐसी हो। तब अलग अलग आप नॉर्मल सेंटेंस बोलिए, उसमें बस ये वर्ड ऐड कर दीजिए नॉर्मल सेंटेंस में। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, दिस दिवाली विल ब्रिंग यू गायत्री इन योर फैमिली, हैप्पीनेस एवर गायत्री बोल दो। सो नॉर्मल सेंटेंस जैसे सब बोलता है, बस आप कुछ कुछ वर्ड का चेंज कर दोगे, मजा ही कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है उत्साह, क्या होता है उत्साह। लास्ट जो वर्ड है हुई, इसको हुई बोलते हैं, कितना अच्छा वर्ड है हुई। तो हुई मतलब था कलर पाउडर, नॉर्मली कलर पाउडर आप रंग बोल सकते हो। हमारे यहाँ तो दो होते हैं कलर पाउडर, तो एक होता है रंग, एक होता है अबीर या गुलाल। तो गुलाल बोलो चाहे अबीर बोलो, गुलाल बोलो या रंग बोलो, तीनों इस हुई के कैटेगरी में आ जाएंगे। कोई भी कलर जो कलर पाउडर हो उसको हम हुई कहते हैं, कलर पाउडर के हुई कहते हैं हम, उसको गुलाल कह सकते हैं, अबीर कह सकते हैं या हम नॉर्मल रंग कह सकते हैं, ठीक है। तो हुई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक। जैसे दिस होली, दिस दिवाली, दिवाली होली में कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ। दिस होली विल गिव यू अ हुई ऑफ हैप्पीनेस। हुई मतलब यहाँ, हुई मतलब गुलाल तो है, लेकिन गुलाल है किसका, खुशी का गुलाल। खुशी का गुलाल मतलब कि एक अच्छा प्रभाव आपके जीवन में पड़े। तो ये हुई भी आप वर्ड का यूज कर सकते हो। हुई तो वैसे नाउन है, पर इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। तो ये सब वर्ड आप नॉर्मल यूज करें, देखिए क्या मजा आता है। और प्लीज इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में बना के दिखाएं, और देखिए कितना मजा आया जब आप किसी अपने दोस्त को या किसी भी रिलेटिव को ये बोलोगे, और सामने वाला थोड़ा सा अगर मतलब पढ़ा लिखा है तो कितना अच्छा उसका रिस्पॉन्स आएगा। जरूर चेक करिएगा और मुझे बताइएगा। पहले अभी इसका कोई भी सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो में आपको कोई भी चीज़ खराब लगी, अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी उसको बताइए। नीचे आपको लिंक दिख ही रहा है, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं भी आप जाके मुझसे कमेंट पे कुछ भी पूछ सकते हो। आप फ्री हो, आपको ढेर सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। और इसी के साथ, इसका मैं हुई मतलब गुलाल तो लिखा ही है मैंने, तो गुलाल समझ लियो। इसी के साथ, इस वीडियो के साथ आप सभी को मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हैव विश यू अ वेरी हैप्पी होली विद अ वेरी गाइटी इन योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।